हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम स्टडी कर लिया था। एंड हमारा अब ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का मेन पार्ट जो आता है, मेन पार्ट भी कह सकते हैं कि वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का, वो क्या है? जॉइंट्स। वो हम अपना आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा अदर एनिमल्स में किस तरीके से मूवमेंट्स होता है, दूसरे एनिमल्स जैसे कि अर्थवर्म, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनमें किस तरीके से मूवमेंट होता है, हम वो भी पढ़ने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट विद द जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है? सबसे पहली चीज जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर द टू बॉन्ड्स मीट, प्लेस वेयर टू बॉन्ड्स मीट, वो प्लेस जहाँ पर दो बॉन्ड्स आकर अटैच होती हैं, दैट अटैचमेंट पॉइंट, दैट मीटिंग पॉइंट इज नोन एज जॉइंट। अगर ये एक बोन है और ये एक बोन है, ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पर आकर अटैच होती है, जिस पॉइंट पर आकर जॉइंट होती है, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, वो प्लेस हमारा कहलाता है जॉइंट। हमेशा जो बोन के एंड्स होते हैं वो एक स्टिक या फिर बोल सकते हैं वो एक इलास्टिक सब्सटेंस से कवर्ड रहते हैं, एक लेयर से कवर्ड रहते हैं, जिसको बोला जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट एट द एंड ऑफ bones के एंड में जो सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको जो कवर करता है, वो हमारा क्या होता है? कार्टिलेज होता है। प्रेजेंट किस लिए होता है? उसका रीजन ये है, जैसे अगर एक बोन और दो बोन डायरेक्टली अगर अटैच है, तो बोन्स कैसी हैं? कैल्शियम की बनी हुई है, स्ट्रांग होती है। तो अगर वो इस तरीके से मूवमेंट करेगी, ऊपर नीचे मूव करेगी, तो उनमें क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा। और फ्रिक्शन लग के धीरे धीरे वो क्या होंगे, उनका जो कैल्शियम है, उनका जो मटीरियल जिससे वो बनी है, वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय होने लगेगा। इसीलिए ये जो बोन है वो किससे कवर्ड होती है? कार्टिलेज से कवर्ड होती है। एक तो सबसे पहली बात, कार्टिलेज कैसे वर्क करता है? फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, बोन्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगने देगा, प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, बोन्स के बीच में किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन लगने नहीं देगा। सेकेंडली क्या करता है? सेकेंड इसका काम होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर होता है। शॉक एब्जॉर्बर कहने का मतलब ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी भी तरह का अगर बोन में कोई भी शॉक लगना है तो शॉक को वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। शॉक इन द सेंस कोई भी अचानक जर्क लग जाना, झटका लग जाना, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। सो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट एट द एंड ऑफ बोन्स। इसके अलावा कार्टिलेज हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज हमारा बॉडी के कुछ पार्ट्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे ईयर का जो ये पिन्ना है, दिस इज अ हार्ट, समवॉट हार्ट। बोन्स जितना हार्ड हम इसको नहीं बोल सकते हैं, और हम इसको मसल जितना सॉफ्ट भी नहीं बोल सकते। जैसे हमारी स्किन, अगर हम बिल्कुल ये नीचे वाला पोर्शन देखें, ईयर लॉब अगर हम देखें, ये वाला ये क्या पोर्शन है, ये बहुत सॉफ्ट टिश्यू है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली ये ईयर का ऊपर वाला रीजन देखें, ये हार्ड भी है और सेम टाइम पे सॉफ्ट भी है। तो ये किसका बना हुआ है? ये कार्टिलेज का बना हुआ है। ऐसे ही हमारी नोज की टिप जो है वो भी कार्टिलेज की बनी होती है। बहुत सारे और भी एक दो पार्ट्स हमारे जो किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। सो कार्टिलेज इज नॉट हार्डर लाइक दैट ऑफ बॉन्स एंड नॉट एज सॉफ्ट एज मसल्स। मसल्स इतने सॉफ्ट भी नहीं होते और बॉन्स इतने हार्ड भी नहीं होते। शॉक एब्जॉर्बर्स हैं और सेकेंडली क्या करते हैं, ये हमारी बॉन्स को फ्रिक्शन से प्रिवेंट करते हैं। अब बात आती है हमारी दो बॉन्स बॉन्स के जॉइंट की। लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हमने कहा एक बॉन्ड का एंड कार्टिलेज से कवर्ड है, दूसरे बॉन्ड का एंड कार्टिलेज से कवर्ड है, लेकिन इन दोनों बॉन्ड को अटैच कौन करा रहा है, जॉइंट कौन करा रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे लिगामेंट्स कहलाते हैं। लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट्स आर द लिंक बिटवीन टू बॉन्ड्स। दो बॉन्ड्स के बीच का जो लिंक है, लिंक कहने का मतलब है जिसके थ्रू दो बॉन्ड्स आपस में अटैच जो है, वो लिंक क्या कहलाता है? हमारा लिगामेंट्स कहलाता है, जो कि बॉन्ड्स को हेल्प करके रखता है, बॉन्ड्स को अटैच करके हेल्प, उसको ज्वाइन करने में हेल्प करता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जॉइंट के टाइप्स। दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट्स, जॉइंट्स के टाइप्स। जॉइंट्स हमारे थ्री टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। सबसे पहली बात आती है इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स का मतलब, एक तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, बॉन्ड्स जो मूव करती हैं, हमारी बॉडी जो मूव करती है, इन जॉइंट्स की वजह से ही मूव करती है। तो ये तीन टाइप के जॉइंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। तीन टाइप के जॉइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मूवेबल का मतलब मूव करने वाले, अगर मैंने बोला इमूवेबल, दैट मीन्स वो जॉइंट जो कि मूव नहीं कर सकते। स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करता है, लेकिन उस एक्सटेंड तक मूवमेंट शो नहीं करता। लेकिन फ्रीली मूवमेंट, फ्रीली मूवेबल का मतलब वो फ्रीली मूव कर सकते, जैसे हमारे हैंड्स हम कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं।
तो इवन ओवर अपने जॉइंट्स की अगर हम बात करें, जैसे हमने कल अपने स्केलेटन के स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें एक एग्जांपल किया था, एक स्केलेटन में एक पार्ट किया था, दैट इज स्कल। और क्या था कि स्कल में हमारी फ्लैट बोन्स प्रेजेंट होती है जो कि मूव नहीं करती एक्सेप्ट दिस लोअर जो, इस लोअर जो को छोड़ के बाकी सब जॉइंट्स प्रेजेंट है। हमने बताया था कि जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन में एट फ्लैट बोन्स प्रेजेंट होती है, वो जो एट फ्लैट बोन्स है वो जॉइंट्स से अटैच्ड है लेकिन किसी भी टाइप का कोई भी मूवमेंट शो नहीं करती। That's why the joint present there is immovable. अब अगर हम slightly movable joint बात करें, slightly movable joints जो present होते हैं वो present होता है ribs and breast bone के बीच में। पहले हमने जब rib cage पढ़ा था तो उस rib cage में हमने एक center long bone पढ़ी थी जिससे हम sternum या फिर क्या बोलते हैं breast bone बोलते हैं, जिनसे हमारे क्या ribs attached होते हैं, तो जिस तरीके के structure थी। तो रिब्स और इन ब्रेस्ट बोन, ये जो रिब्स जहाँ अटैच है और ये ब्रेस्ट बोन के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है वो जॉइंट कैसा होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करता है लेकिन ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं करता है। हम ब्रेथ करते हैं, जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे ये मूवमेंट सब शो करता है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मूवमेंट इसका कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीली मूवमेंट, हमारी बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ द जो जॉइंट्स प्रेजेंट हैं दीज आर फीली मूवेबल जॉइंट्स। कैसे जॉइंट्स प्रेजेंट है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट है, मतलब ज़्यादातर जॉइंट्स हमारे कैसे हैं फ्रीली मूवेबल। तो उनमें कैटेगराइज क्या है बिल्कुल अलग अलग, सबसे पहले हमारे आता है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट जो हमारा प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो एल्बो में, नी में और फिंगर्स में प्रेजेंट है। हमारी जो एल्बो है, हमारी नी है और हमारे जो ये फिंगर्स हैं, इनमें कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, हिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। हिंज इज लाइक अ डोर, जैसे हमारा घर में डोर जो होता है वो वन डोर वाला, सिंगल डोर वाला जो हमारा डोर होता है वो क्या होता है, बंद और खुल इस तरीके से, मतलब अगर ये डोर है तो इस तरीके से खुलता है और फिर बंद होता है, खुलता है और बंद होता है, इस तरीके से होता है। तो ये जॉइंट भी कुछ ऐसा ही होता है, जैसे अगर हम अपने एल्बो में जॉइंट देखें तो एल्बो में जॉइंट कैसा है, एक बार हम ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से अप एंड डाउन मूवमेंट शो कर सकते हैं, इससे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट कहाँ अलाउ करता है, सिर्फ अप एंड डाउन एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउ करता है। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर है, एल्बो में, नी में और फिंगर्स में प्रेजेंट है। जॉइंट सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन अवर बॉडी इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट, सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट का मतलब समझते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बॉल एंड सॉकेट का मतलब, जैसे दिस इज अ बॉल, हॉलो स्पेस सॉकेट एक तरह से, ये अगर आप देख रहे हो यहाँ पे खाली स्पेस है एंड दिस इज अ बॉल, तो ये जो बॉल है वो सॉकेट में इस तरीके से फिट हो जाती है। तो दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारी बॉडी में भी ऐसे ही जॉइंट प्रेजेंट होता है, हमारी शोल्डर्स में, हमारे आर्म्स में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है यहाँ पर वो कैसा होता है, बॉल एंड सॉकेट। शोल्डर हमारा सॉकेट की तरह वर्क करता है और जो हैंड की ये जो बॉन है हमारी, ह्यूमरस जो है वो बॉल की तरह इसमें इस तरीके से फिट हो जाती है। एंड इसी वजह से अगर मैं बस बोन को रोटेट करूँ ऐसे तो ये क्या होगा, हर डायरेक्शन में कंप्लीट डायरेक्शन में रिवॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जो ये हैंड है ये भी 360 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा कहाँ प्रेजेंट है, शोल्डर में प्रेजेंट है। सेकेंडली डायरेक्शन अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। और जस्ट लाइक अ बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जैसा बॉन्ड जॉइंट होता है, दिस इज अ सॉकेट और इसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर से फिट होती है जो कि इजी मूवमेंट शो करती है। सो दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट। नेक्स्ट थर्ड वन इज पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट कौन सा, पाइवट जॉइंट हमारा जो जॉइंट है वो हमारी नेक में प्रेजेंट होता है। ये भी कुछ हद तक ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, जैसे हम अपने हेड को इधर उधर भी मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी मूव कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। तो हमारा नेक में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, पाइवट जॉइंट प्रेजेंट है। इसकी स्पेशलिटी क्या है, जैसे बॉल एंड सॉकेट में एक सॉकेट था और एक बोल था, इसमें क्या होता है एक बोन कॉनिकल शेप की होती है इस तरीके से और दूसरी बोन होलो होती है ऐसे, एक कॉन शेप होगी और एक होलो होगा, उस कॉन शेप में वो होलो इस तरीके से अंदर अटैच हो जाएगा। तो ऐसा नेक में जॉइंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हम ऑल डायरेक्शन मूवमेंट शो कर सकते हैं, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन हम जगह मूवमेंट कर सकते हैं। सो दिस जॉइंट इज नोन एज पाइवट जॉइंट। एंड द लास्ट जॉइंट प्रेजेंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट, फोर्थ वन इज ग्लाइडिंग जॉइंट।
ग्लाइडिंग जॉइंट कैसा है? ग्लाइडिंग जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो कि एक दूसरे पर ग्लाइड करता है, ये हमारे रिस्ट में और एंकल में प्रेजेंट होता है। ग्लाइड कैसे करना होता है, जैसे एक जॉइंट, एक बॉन ये है और एक बॉन ये है, एक दूसरे को इस तरह से अटैच है और एक दूसरे पर ग्लाइड कर रही है, एक दूसरे पर मूव कर रही है। जैसे हमारी रिस्ट की वो जो होती है, रिस्ट की जो हमारी बॉन्स हैं वो इस तरीके से ग्लाइड करती हैं, ऊपर साइडवेज मूवमेंट भी शो करती हैं इस तरीके से और ग्लाइड भी करती हैं। सो दिस जॉइंट इज नोन एज ग्लाइडिंग जॉइंट, एक दूसरे पर ग्लाइड करती है। एक बॉन ये हो गई और दूसरी बॉन इस तरीके से जब भी मूवमेंट करेंगे एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है। सो दिस दीज आर ऑल द फोर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। Now we move to the next topic, how the bones allows our movement. What makes the bones move? हमें पता है bone movement show करती है, लेकिन किस तरीके से जो ये bone है वो movement करती है, क्या responsible है जिसकी वजह से हमारी bones move करती है, उसके लिए हमारी body में सॉफ्ट टिश्यू क्या प्रेजेंट होता है, मसल्स प्रेजेंट होती हैं, मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। इन मसल्स की वजह से ही हमारी जो बॉन्स है वो मूव करती है। मसल्स जो है वो हमेशा क्या करेंगे, मसल्स ऑलवेज पुल, इट ऑलवेज पुल, डू नॉट पुश, कभी भी पुश नहीं करती हैं, कभी भी मसल्स पुश नहीं करेंगी, हमेशा क्या करती हैं, पुल करती हैं। और क्योंकि ये पुल करती हैं इसीलिए हमेशा दो मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है कहीं पर भी मूवमेंट करने के लिए। मसल्स ऑलवेज वर्क इन, ऑलवेज वर्क इन पेयर, हमेशा मसल्स कैसे वो काम करती हैं, पेयर में वर्क करती हैं, दो मसल्स एक साथ वर्क करती हैं। जैसे हमारे हैंड में बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल प्रेजेंट होती हैं, हैंड की ये रीजन में हमारी जो कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, बाइसेप, एंड लोअर रीजन में हमारी प्रेजेंट होती है ट्राइसेप मसल जो कि मूवमेंट करती है। हमने कहा मसल्स क्या करनी है, पेयर में वर्क करनी है। जब भी मसल पेयर में वर्क करती हैं तो एक मसल तो करती है कॉन्ट्रैक्ट और एक मसल करती है एक्सपेंड। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर इसकी लेंथ ये है तो वो छोटी हो जाएगी, एक्सपेंड मतलब अगर उसकी लेंथ इतनी है तो वो एक्सपेंड होकर बड़ी हो जाएगी। जैसे पिक्चर में अगर आप देखें तो हमारे हैंड में दो मसल्स प्रेजेंट है, दिस इज बाइसेप मसल एंड दिस इज ट्राइसेप मसल। जब भी हम अपने हैंड को इस तरह से करते हैं ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो हमारी जो बाइसेप मसल है ये क्या करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जबकि जो ट्राइसेप मसल है वो एक्सपेंड कर जाती है। लेकिन जब हम अपना हैंड नीचे ले जाते हैं तो ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड बाइसेप मसल एक्सपेंड करती है। सो दैट्स हाउ मसल्स वर्क इन पेयर एंड अवर बॉन्स आर एबल टू मूव इस तरीके से। मतलब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एक मसल रिलैक्स करेगी, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है, हमारे जो लॉइंस है, वो मूव करने के लिए कैपेबल होती है। ओके, दिस इज हाउ द bones move. This is all about the human skeleton system. Human skeleton system में कैसे होता है, कैसे work करता है, वो सब चीज़ सब। अब अगर हम देखें movement in other animals, movement in other animals, दूसरे animals में कैसे movement होता है। दूसरे animals में सबसे पहले example हम लेते हैं earthworm। एक तो earthworm जो है वो हमेशा कैसा liquid skeleton contain करता है, it contains liquid skeleton. और ये लिक्विड स्केलेटन भी है जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है, उसको मूवमेंट करने के लिए अलाउ करता है। होता क्या है, अर्थवर्म की बॉडी एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक बार एक्सपेंड। जैसे अर्थवर्म की बॉडी हमारी ये है, इसमें होता क्या है, इसका सबसे पहले अर्थवर्म अपनी जो बैक वाला पोर्शन है, अपना जो पीछे वाला पोर्शन है, उसको एक जगह फिक्स करता है और आगे वाले रीजन को एक्सपेंड करता है। जैसे अगर ये अर्थवर्म है तो क्या करेगा, अपने इस रीजन को तो वो एक जगह फिक्स कर लेगा और इसको क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, इसको फिक्स करेगा और सॉरी एक्सपेंड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करता है। सबसे पहले क्या होगा, जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म अपने जो फर्स्ट पार्ट है उसको एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड करने का मतलब ये, अगर उसका एक पार्ट है तो वो उसको आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, पीछे पार्ट ऐसे ही रहेगा। लेकिन फिर दोबारा क्या करता है, फिर वो अपना ये वाला पार्ट फिक्स रखता है और इसलिए उसको आगे की तरफ पुश करता है। जैसे अगर पिक्चर में देखें तो पहले इसका पार्ट छोटा था, फिर एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड होकर वो अपने प्लेस पे रहा, पीछे वाला पार्ट फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड आगे वाला एक्सपेंड होगा, पीछे वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। सो दिस इज हाउ द अर्थवर्म मूव्स, एक पार्ट एक्सपेंड कर रहा है, एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब ये एक्सपेंड करता है तो ये स्टेबल हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वाला फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट एनिमल इज स्नेल, स्नेल या फिर कॉकरोच।
स्नेल एंड कॉकरोचेस. होता क्या है, सबसे पहले हम स्केलेटन समझते, स्केलेटन हम पढ़ रहे थे. स्केलेटन भी हमारे दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के स्केलेटन होते हैं. एक होता है एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन का मतलब क्या है, एक्सोस्केलेटन इज अ टाइप ऑफ स्केलेटन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. एक्सो का मतलब एग्जिट, मतलब बाहर. तो वो टाइप ऑफ स्केलेटन जो आउटसाइड ऑफ बॉडी प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है एक्सोस्केलेटन. एंड एंडो इज इनसाइड, मतलब वो टाइप ऑफ स्केलेटन जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे हमारी बॉडी में बॉडी के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एंडोस्केलेटन. तो अगर हम स्नेल की बात करें, स्नेल की बॉडी में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, मतलब एक टफ कवरिंग उसकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीट होते हैं. वो फीट उसको क्या करते हैं, उसको अलाउ करते हैं मूवमेंट करने के लिए. वहाँ पर एक्सोस्केलेटन रिस्पॉन्सिबल है फॉर इट्स मूवमेंट. ऐसे ही हमारे कुछ इंसेक्ट्स हो, कॉकरोचेस में भी कैसा स्केलेटन मिलता है, एक्सोस्केलेटन मिलता है जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प करता है. इवन कॉकरोचेस फ्लाई भी करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी पर विंग्स प्रेजेंट होते हैं. वॉक भी करते हैं जस्ट बिकॉज दे कंटेन अ एक्सोस्केलेटन. लेकिन अगर हम फिशेस की बात करें, फिशेस की बॉडी में कैसा स्केलेटन प्रेजेंट होता है, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. और उसमें स्केलेटन भी थोड़ा एक अलग टाइप, एक अलग टाइप का भी नहीं बोलेंगे. इसमें क्या होता है, उनकी बॉडी में बैकबोन सपोज बीच में रहना, और उस बैकबोन के इस तरफ मसल्स प्रेजेंट होंगी एंड इस तरफ मसल्स प्रेजेंट होंगी. ठीक है, ये अगर हमारी फिश है तो क्या है, उसके बैकबोन रन करेगी, इस साइड मसल होंगी और इस साइड मसल होंगी. जब भी ये मूवमेंट करती है तो zigzag मैनर में मूवमेंट करती है, मतलब एक बार ऐसे जाएगी फिर एक बार ऐसे जाएगी, बार ऐसे zigzag मैनर में मूवमेंट करती है. क्यों करती है, जब होता क्या है, बैकबोन के एक साइड वाली मसल सपोज क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब उसकी ये टेल फिन है वो इस तरफ मूवमेंट करेगी, वो इधर आ जाएगी और ये इसकी जो ये वाली जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जबकि ये वाली एक्सपेंड करेंगी. लेकिन फिर ये हमारी किस तरफ मूव करती है, टेल फिन इस तरफ मूव करता है, तो हमारी ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये वाली एक्सपेंड करती है. तो टेल फिन के मूवमेंट और मसल की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की वजह से फिशेस फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. सेकेंडली फिशेस की बॉडी पे स्ट्रीमलाइन, फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है. स्ट्रीमलाइन कहने का मतलब मिडिल पे से तो थिक होती है और कॉर्नर्स पे से कैसी होती है, वो थिन होती है. जैसे मिडिल पे से थिक होगी और कॉर्नर्स पे से कैसी होती है, फिशेस की बॉडी थिन होती है. वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि ताकि वो वाटर जो उस पर उसकी बॉडी पर आकर लग रहा है वो उस वाटर करंट को इजीली टॉलरेट कर सके, उसके प्रेशर को इजीली एक तरह से कंट्रोल कर सके, उसे अच्छे से सहन कर सके कह सकते हैं. तो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करती है, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए हेल्प करती है. दिस इज हाउ द फिशेज मूव. नेक्स्ट हमारा आता है फिशेज, हमारी फिशेज का मूवमेंट कैसा, स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रेजेंट है और उसके साथ साथ हमारी फिशेज की बॉडी, फिशेज क्या करती है, एक बैकबोन है, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है एक साइड वाली, दूसरी मसल एक्सपेंड करती है. नेक्स्ट इज बर्ड्स, बर्ड्स में मूवमेंट कैसे होता है. बर्ड्स में सबसे पहले तो फॉलम्स जो होते हैं वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, बर्ड्स में फॉलम विंग्स में मॉडिफाई होते हैं एंड विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई, विंग्स उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. सेकेंडली इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती है. होलो बॉन्स होने का क्या रीजन है, न्यूमेटिक बॉन्स बोलते हैं. न्यूमेटिक बॉन्स, न्यूमेटिक बॉन्स का मतलब है होलो बॉन्स प्रेजेंट होती हैं. होलो बॉन्स होने का रीजन ये है, वो फ्लाई कर रही है. फ्लाई करने का मतलब एयर में है, अगर वो एयर में उनका वेट ज़्यादा रहेगा तो वो वेट की वजह से वो नीचे की तरफ आ जाएंगे. इसीलिए उनकी बॉडी में बॉन्स कैसी होती है, होलो होती है, अंदर से खोखली होती है ताकि उनका बॉडी का जो वेट है वो लाइट वेट रहे और वो ईजिली फ्लाई कर सके. थर्डली उनकी जो चेस्ट बोन होती है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. चेस्ट बोन कैसी होती है, उनकी स्ट्रॉन्ग चेस्ट बोन प्रेजेंट होती है ताकि वो इजिली हमारी एयर में फ्लाई कर सके. फोर्थ वन इज इनकी बॉडी भी समवॉट स्ट्रीमलाइन होती है ताकि वो एयर के प्रेशर को कैसी क्या कर सके, टॉलरेट कर सके. तो ये सब चीज़ मिलकर एक बॉड को फ्लाई करने में, मूव करने में हेल्प करती है. सो दिस इज हाउ द डिफरेंट एनिमल्स मूव. स्केलेटन में कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, क्या जॉइंट्स प्रेजेंट है, कैसे मूवमेंट होता है, वो हमने पूरा कर लिया. आज हमारा ये भी कंप्लीट हो गया कि एनिमल्स किस तरीके से मूवमेंट करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में. नाउ द चैप्टर इज कम्प्लीटेड, ये चैप्टर आपका यहीं कम्प्लीट होता है. आई होप यू ऑल आर गेटिंग द सेशंस. प्लीज रीड द चैप्टर केयरफुली. थैंक यू सो मच.